नीलेश सिंह और ललन बाबू दोनों मिलके कांग्रेस के एजेंट के रूप में जदयू और राजद के सफाया करेंगे, कांग्रेस करेंगे और कांग्रेस लोकनायक के धरती पर यहाँ के लोगों को सबक सिखाएगा। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। आगामी 23 जून को विपक्ष की बड़ी बैठक बिहार में होनी है और ऐसे में बीजेपी जो है एक बार फिर से सवाल जो है इस बैठक पर खड़ा कर रही है। साफ विजय सिन्हा ने कह दिया है कि ललन सिंह कांग्रेस के एजेंट बन गए हैं और एजेंट बनकर जेडीयू का ही सफाया करने वाले हैं। देखिए अपने बयान में क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। 23 जून को संपूर्ण क्रांति की धरती पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपना को तोड़ने वाले श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार आज कांग्रेसियों को इस धरती पर गलबहियां करके सरकार में सम्मिलित कर करके जो बिहार के अंदर फिर से कांग्रेस युक्त बिहार और कांग्रेस युक्त भारत बनाने का संकल्प पूरा करने जा रहे हैं, इसके लिए श्रीमान अखिलेश जी और ललन बाबू दोनों, अखिलेश सिंह और ललन बाबू दोनों मिलके कांग्रेस के एजेंट के रूप में जदयू और राजद के सफाया करेंगे, कांग्रेस को एस्टेब्लिश करेंगे और कांग्रेस लोकनायक के धरती पर यहाँ के लोगों को सबक सिखाएगा कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना अब कांग्रेस युक्त भारत में वही लोग बदलेंगे जो लोग इसके विरोध में लड़े थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी संकल्पित है कि कांग्रेस मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संकल्प के लिए अंतिम दम तक लड़ेंगे और बिहार को कांग्रेस मुक्त बिहार बनाकर रहेंगे। तो आपने साफ सुना किस तरीके से विजय सिन्हा का कहना है कि आजकल ललन सिंह जो हैं वो कांग्रेस से मिलकर जेडीयू और आरजेडी का सफाया कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस के एजेंट बन गए हैं ललन सिंह। जिस तरीके से पहले यही लोग कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, अब कांग्रेस युक्त भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो 23 जून को बैठक हो रही है, राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं और ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि विपक्ष की बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। लेकिन विजय सिन्हा ने साफ कह दिया कि ये वही लोग हैं जो पहले कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात करते थे और अब कांग्रेस युक्त भारत बना रहे हैं। ये अखिलेश सिंह से मिलकर ललन सिंह खुद कांग्रेस के एजेंट बन गए हैं और कांग्रेस को अब आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा होगा कि बिहार में आरजेडी और जेडीयू जो है वो समाप्त हो जाएगी और ये काम ललन सिंह करेंगे। देखिए ये बयान उस समय आया है जब बिहार में एक बड़ी बैठक होने वाली है विपक्ष को लेकर, एनडीए गठबंधन को किस तरीके से 24 के चुनाव में हराना है इसको लेकर रणनीतियां बनेंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल के बाद ये बैठक बिहार में हो रही है। राहुल गांधी पहुंचेंगे, महबूबा मुफ्ती पहुंचेंगी, ममता बनर्जी पहुंचेंगे, साथ ही साथ अखिलेश यादव जैसे कई बड़े नेता यहां पहुंचने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है, विजय सिन्हा ने साफ कह दिया है कि ललन सिंह अब कांग्रेस के एजेंट बन गए हैं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।